मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास। टुडे इज़ योर रिविजन टेस्ट ऑफ लेसन 6, फन टाइम। सो लेट अस रिवाइज दिस चैप्टर क्विकली। आफ्टर अटेंडिंग स्कूल एंड वर्किंग एट होम और इन ऑफिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स। हमने पढ़ा था ना कि रिलैक्सेशन क्यों ज़रूरी है। रिलैक्सेशन से हम हेल्प्स यू टू फील रेस्टेड। रिलैक्सेशन से हम रेस्टेड फील करते हैं एंड हैप्पी एंड प्रिपेयर्स यू फॉर वर्क अगेन। और रिलैक्सेशन हमें प्रिपेयर करता है कि हम दोबारा से काम कर सकें। रिक्रिएशन क्या था? एन एक्टिविटी डैट वी डू फॉर एन्जॉयमेंट। आप एन्जॉयमेंट के लिए जो भी एक्टिविटी करते हो उसे रिक्रिएशन बोला जाता है। एंड रिक्रिएशन से क्या होता है कि हम रिलैक्स फील करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रीडिंग बुक्स, टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, वॉचिंग TV, ये सभी क्या है? रिक्रिएशन एक्टिविटी है। चिल्ड्रन के लिए क्या रहता है? प्लेइंग ही सबसे कॉमन रिलैक्सेशन फॉर्म है, राइट? सो आप फन टाइम इन स्कूल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एट स्कूल हम क्या करते हैं? स्टडिंग और लर्निंग न्यू थिंग्स में ही स्पेंड करते हैं। बट फिर भी हमें क्या स्कूल में फन और रिलैक्सिंग का टाइम मिलता है। जैसे कि हमारा लंच ब्रेक होता है तब हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं? बातें करते हैं। वी प्ले इन स्कूल फील्ड्स, करते हैं ना आप? प्ले करते हो ना स्कूल में? और इवन स्कूल्स हैव डेडिकेटेड गेम्स पीरियड ऑल्सो। और आपका गेम पीरियड भी होता है तो उस मौके पे आप लोग क्या करते हो? इन्जॉय भी करते हो। आपको फन टाइम भी मिलता है स्कूल में। इन स्कूल स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन सेवरल गेम्स। और आप अलग अलग गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग। ये सभी क्या है? आपकी एक तरह से रिक्रिएशन एक्टिविटी हो जाती है। स्पोर्ट्स डे इज ऑल्सो हेल्ड इन स्कूल्स टू एनकरेज चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल में ताकि चिल्ड्रन को एनकरेज करा जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड अदर लेजर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो एनकरेज इन स्कूल। आपको स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा ये सब भी सिखाया जाता है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इन एक्टिविटीज़ को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? फन टाइम एट होम क्या होता है? कि फन टाइम आप होम में क्या करते हो? जब हम होम में रिलैक्स करते हैं। और इसमें आप कैसे खुद को एंगेज करते हो? वी ऑल्सो एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग बुक्स, वॉचिंग TV, पेंटिंग, प्लेइंग इंडोर गेम्स लाइक चेस एंड कैरम। आप बुक्स रीड कर सकते हो, TV देख सकते हो, पेंटिंग, कुछ भी गेम्स, इंडोर गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि चेस और कैरम भी कर सकते हो। इवन मैनी ऑफ अस ऑल्सो गो टू पार्क। और हम इवनिंग में क्या करते हैं? पार्क में भी जाते हैं। और चिल्ड्रन तो आउटडोर गेम्स भी खेलना पसंद करते हैं लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन एंड हाइड एंड सीक विद देयर नेबरहुड फ्रेंड्स। खेलते हो ना आप लोग अपने नेबरहुड फ्रेंड्स के लिए के साथ आउटडोर गेम्स? नाउ ओल्ड गेम्स एंड एक्टिविटीज़। ओल्ड गेम्स और एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ओवर द ईयर्स द काइंड ऑफ गेम दैट पीपल यूज टू प्ले। पहले लोग कैसे गेम्स खेलते थे? गुल्ली डंडा, पिट्ठू, कबड्डी, ये सभी क्या हैं? ओल्ड गेम्स हैं और ये बहुत पॉपुलर रहती थी। नाउ लेट अस रैप अप। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट टू मेक अस फील रेस्टेड एंड प्रिपेयर अस फॉर वर्क अगेन। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें रेस्टेड फील कराती है और हमें प्रिपेयर करती है कि हम दोबारा से काम कर सकें। फन टाइम इन स्कूल कैसे होते हैं? जिसमें आप मिड डे ब्रेक मिलता है आपको लंच करने के लिए और उसमें आप प्ले भी करते हो। इवन गेम पीरियड्स होते हैं जिसमें आप डिफरेंट गेम्स खेलते हो। देन एक्टिविटीज़ सच एज आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में भी जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका फन टाइम इन स्कूल होता है। फन टाइम एट होम, रीडिंग बुक्स, पेंटिंग, वॉचिंग TV, प्लेइंग इन पार्क विद फ्रेंड्स, उसमें आप इंडोर गेम्स भी खेलते हो एज वेल एज आउटडोर गेम्स भी खेलते हो। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल द बेस्ट, गुड बाय।